नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सो फाइनली गाइस, हाल ही में टाटा कवर को भाई पहली बार स्पोर्ट किया गया है। 7 अगस्त को इंडियन मार्केट में ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। इस गाड़ी के अंदर एक्सटीरियर और इंटीरियर में आपको कई सारे कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर टाटा ने प्रोवाइड करवाए हैं। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट के अंदर पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं एंड ग्रिल पे आपको कैमरा भी है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि 360 डिग्री कैमरा भी कर्व के अंदर टाटा ने हमें प्रोवाइड करवाया है। हेडलैम्प्स की बात करें तो ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प वो रहने वाली है एंड एलईडी के अंदर हमें प्रोवाइड करवाई जाएंगे। एंड ऊपर की और बोनेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बड़ी साइज के अंदर DRLLO प्रोवाइड करवाया गया है। जो इसका ईवी वर्जन आएगा उसके अंदर जैसे जैसे गाड़ी चार्ज होती जाएगी ये जो DRLLO बढ़ती चली जाएगी, यानी कि जो इसका लाइट वगैरह है वो बढ़ती चली जाएगी, इस प्रकार का इसके अंदर फीचर है। एंड नीचे की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग वो दी गई है। सामने की ओर से काफी अपीलिंग लुक के अंदर ये गाड़ी आपको नजर आती है एंड एकदम से देखने पे आपको कुछ कुछ ये नेक्सॉन से सिमिलर है वो लगने वाली है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैंप वो मिलने वाले हैं, काफी स्लिक डिजाइन के अंदर प्रोवाइड वो करवाए गए हैं। एंड ऊपर की ओर आपको सार्फिन एंटीना है वो देखने को मिल जाएगा। रूफ रेल्स इस गाड़ी के अंदर नहीं प्रोवाइड करवाई गई है, SUV इस गाड़ी को बोला गया है। एंड नीचे की ओर बात करें तो पीछे की ओर आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएगा एंड कनेक्टेड टेल लैंप के जस्ट नीचे आपको टाटा का लोगो है वो दिया गया है। मैं भी टाटा को लोगो के अंदर थोड़ा वर्क है वो करना चाहिए, लोगो है वो चेंज करना चाहिए महिंद्रा की तरह, लेकिन यहाँ पे टाटा ने कोई भी लोगो वगैरह के अंदर चेंज नहीं किया है। लोगो के जस्ट नीचे आपको कैमरा की प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक बूट आपको मिलने वाला है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में कई सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। सामने की ओर आपको 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपके एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन वगैरह सारे चलने वाले हैं। बाहर की ओर बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लश डोर हैंडल वो मिलने वाले हैं, एक यूनिक फीचर है। एंड साइड की ओर से ये गाड़ी काफी स्पोर्टी आपको नजर आने वाली है। सामने की ओर MID की बात करें तो ये भी डिजिटल के अंदर रहने वाली है। 10 इंच की जो डिजिटल डिस्प्ले आपको मिलने वाली है, सेम जो नेक्सॉन के अंदर हमें टाटा प्रोवाइड वो करवाती है। एंड स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो आपको इन्यूलेशन लोगो के साथ में फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग वो मिलने वाला है। 2-स्पोक स्टेयरिंग आपको प्रोवाइड वो करवाया जाएगा। AC पैनल की बात करें तो सेम जो नेक्सॉन के अंदर आता है वही टच सेंसिटिव AC पैनल हमें प्रोवाइड वो करवाया जाएगा। सेकंड रो के अंदर यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स वो देखने मिल जाएगा एंड यहाँ पे जो आर्मरेस्ट वो प्रोवाइड करवाई गई है। सीट्स की बात करें तो आपको लेदराइट सीट्स वो मिलने वाली हैं एंड फ्रंट 2 सीट्स के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन वो मिल जाएगा। सामने की डैशबोर्ड की बात करें तो आपको सिंगल कलर के अंदर डैशबोर्ड वो प्रोवाइड करवाया गया है, लेकिन कई जगह आपको इंसर्ट वो सिल्वर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। रोड्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपके पावर विंडो कंट्रोल वगैरह वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। इस गाड़ी के अंदर अडास भी आपको मिलने वाला है, लेवल 2 का अडास सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये गाड़ी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक के अंदर आने वाली है। पेट्रोल और डीजल के अंदर जो नेक्सॉन में सेम इंजन आते हैं वही इस गाड़ी के अंदर आपको प्रोवाइड वो करवाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वर्जन की बात करें तो 2 बैटरी पैक के साथ में टाटा इस गाड़ी को लेके आने वाली है एंड 7 अगस्त को इंडियन मार्केट में टाटा इस गाड़ी को लॉन्च वो करने वाली है। कई सारे कलर ऑप्शन के अंदर ये गाड़ी आएगी। इन 10 से 15 दिनों के अंदर इस गाड़ी को लेकर कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड वो करवाने वाला हूं। एंड अगर आप लेना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, आपका बजट है 15 लाख रुपए के अराउंड, तो थोड़ा वेट है वो कर सकते हो, टाटा एक अच्छी गाड़ी वो लेके आने वाली है। तो आज मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।